हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ कच्चे आलू के स्नैक्स का वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस स्नैक्स को आप एक बार बनाकर हफ्ते भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही मैंने सूजी लिया है, यानी आधा कप सूजी लिया है। अब इन दोनों को हम मिला लेंगे। दोनों अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसमें एक कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। बेसन और सूजी मिल गया है। अब हम एक आलू लेते हैं, उसे हम कद्दूकस करेंगे। इसे मैंने पानी में रखा है, जिससे ये काले ना पड़े। देखिए, सारे आलू को मैंने कद्दूकस करके पानी में रख दिया है। अब हम बेसन के बैटर में एक प्याज, धनिया की पत्ती, 3 से 4 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक टमाटर, 1 शिमला मिर्च, सभी को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और आलू डालेंगे, जिसे मैंने कद्दूकस करके रखा था। इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से निकाल लिया है। देखिए, ये बिल्कुल सूखा सूखा सा है। इस हरे आलू को हम बैटर में डाल देंगे और इन सभी को हम मिला लेंगे। इन सभी को मिलाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसके लिए मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप करके गरम मसाला, मैगी मसाला, कोई भी मसाला जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप पानी और डाला है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। बेसन और सूजी 1 कप था, तो हम उसका दुगना 2 कप पानी डालेंगे। कितना पानी इसके लिए पर्याप्त है, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, जब हम बेसन पकाएंगे तो उसे हम सुखा लेंगे। आलू के बैटर को हम पकाने के लिए एक कढ़ाही लेंगे, उसमें मैंने आधा चम्मच तेल डाला है। तेल डालने के बाद मैंने उसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और करी पत्ता डाला है। ये सभी चीज़ें पक गई हैं। अब हम इसमें आलू का बैटर डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पे चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें लगातार चलाना है, वरना ये चिपक जाएगा। देखिए, आलू का बैटर पक रहा है, इसे हमें चलाते हुए पकाना है। देखिए, बैटर अच्छी तरह से पक गया है। इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है और हाथ से भी मैंने चेक करके देखा है, ये अच्छी तरह से पक गया है। मैंने एक प्लेट लिया है, उसमें मैंने पहले से ही तेल डाल दिया था। अब इसके ऊपर हम आलू का बैटर डालेंगे और इसे हाथों से बराबर करके फैला देंगे। अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप कटोरी में तेल लगा के उससे भी आप इसे फैला सकते हैं। आप इसे अपने मनपसंद आकार में फैलाएं। मैं इसे स्क्वायर में फैलाई हूँ और अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। देखिए, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे अपने मनपसंद आकार में कट कर लेंगे। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसे डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं, आप इसे सैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं, आप इसे 3 तरह से खा सकते हैं। देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे मैं डीप फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम इसमें हम आलू के स्नैक्स डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। आप इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। आप इसे एक बार बना के हफ्ते भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आपका जब मन करे तो आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। शाम की चाय के लिए ये काफ़ी हेल्दी स्नैक्स है। देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पर रख देते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ऐसे ही हम सारे स्नैक्स को तल लेंगे। आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए, ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है और कितना टेस्टी लग रहा है। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए,
बाहर से ये जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही मुलायम है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।